जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे हैं वहाँ पे एक घर है। अभी फ़िलहाल हमको उस वाले खेत पे जाना है और अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अभी यहाँ से होते हुए रास्ते से निकलते 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 वहाँ घर पे जाना है और घर के सामने आपको एक जगह खेत में खूब सारा डंठल दिख रहा होगा वहाँ पे गेहूं का, यहाँ पे वहाँ पे हमको जाना है उसके लिए दौरी के लिए। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आलोक कुमार। तो हम आ चुके हैं अपने गांव और अभी के सीन कुछ ऐसे हैं कि होने जा रहा है खेत में हमारे दौरी, जिसके लिए हमें अचानक भयानक देवरिया से आना पड़ा घर। बड़े भैया आ रहे हैं हमारे। ऐसा नज़ारा है हमारे यहाँ का, जैसे कि आप देख रहे हैं गांव के बाहर चारों तरफ कटिया पिटिया हो चुका है, बस कुछ लोगों का बाकी है, कुछ लोगों का हो ही रहा है। तो ये हमारे यहाँ का पोखरा और ये है फ्रूटी और ये है आयुष और छोटी दीदी दौड़ते हुए आ रही हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं गांव से बाहर और इनके यहाँ हमारे साथ हैं सब फ्रूटी मतलब फ्रूटी हैं, आयुष हैं, छोटी हैं और ये तीनों लोग हमारे अंकल के लड़के हैं। और फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं गांव से बाहर और पहुंचना है खेत में, और पहुंचते हैं खेत में और खेत की याद होगी दौरी, जिसके लिए अचानक से हमको आना पड़ा। और खास करके गांव का व्यू काफ़ी बेहतर लग रहा है इस समय तो, चारों तरफ बहुत ही अच्छा है बट यहाँ पे बहुत चीज़ों का रिक्स भी है। और कुछ ऐसा हमारे खेत का व्यू, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी एक खेत का हमारे सारा सारा बोझा खेत में है और अभी फिलहाल के लिए कुछ बधा उधा है नहीं। और सामने देखो गाड़ी आ रही है, साइड हो जा। शाम को बज रहे हैं 5 और ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा। और ये हमारा आम का पेड़ और ऐसे सब खेत में लगे हुए हैं सब हमारे, अभी बोझा बधा उधा है नहीं। ये है आयुष, आयुष हेलो बोलो, हाय हाय। सामने देख पा रहे हैं वहाँ पे एक घर है। अभी फ़िलहाल हमको उस वाले खेत पे जाना है और अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अभी यहाँ से होते हुए रास्ते से निकलते 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 वहाँ घर पे जाना है और घर के सामने आपको एक जगह खेत में खूब सारा डंठल दिख रहा होगा वहाँ पे गेहूं का, यहाँ पे वहाँ पे हमको जाना है उसके लिए खेत से बगल का। क्या हुआ? इतनी गर्मी होने के बाद भी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि न्यूज़ में आजकल बिहार बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, क्योंकि बिहार में आज से 2 दिन पहले पूरा अलर्ट पे था कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बिहार में पूरा अलर्ट पे, इतनी गर्मी पड़ रही थी कि उसके लिए बाहर जाना मना था। डायरेक्ट पेपर में इश्तिहार निकला था कि बिहार में जो भी मतलब एक बताया गया था कि हमने भी पेपर में ही पढ़ा था कि 12 से 3 किसी को बाहर नहीं निकलना है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आदमी को वैसे यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रह रही है। जलन वगैरह कैसा है, कुछ ऐसा एरिया है यहाँ जाना है। कभी हम लोग यहीं गए थे ब्लॉग शूट कर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये है कुछ यहाँ का जैसा सीन और ये है हमारा खेत। और यहाँ पर बगल में देखिए पेड़, एक तार गया हुआ है 11,000 वोल्टेज का। और सबसे डर की बात यही सब है हमारे यहाँ खेतों में कि अब गिर जाएगा। उस पे
खुजली करेगा पूरा शरीर, ना चढ़ो। कुछ ऐसा है हमारा गेहूँ हमारे खेत का, बस इस खेत का। नहीं नहीं वहाँ चढ़ना नहीं, नहीं शरीर पूरा खुजली करने लगेगा। अरे देखिए बच्चे यहाँ पे सब कंपाइन से कटे हुए जब खेतों में गेहूँ का बाल बिनने की जैसा कि मैं आप लोग बता दूं कि हमारे यहाँ खेत में आजकल बहुत सारा रिक्स हो गया है कि बहुत सारे मतलब हमारे यहाँ जानवर भी हैं सभी चार हम लोग के यहाँ मतलब घड़रोज हैं और शाही हैं और लीलगाय हैं, मतलब बहुत सारे नुकसान करने वाले जानवर हैं। और एक एक बात और, ये जो गर्मी का सीज़न हम लोग के यहाँ जो इस साल है, इस साल मान के चलिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि पहले से तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी, हर साल से भी अधिक गर्मी पड़ रही है। और इस समय एक और प्रॉब्लम आ चुकी है कि हम लोग की तरफ इतना ज़्यादा आग लग रहा है खास करके गेहूँ के सीज़न में कि बहुत सारे खेत मतलब हम लोग यहाँ से जो मतलब इधर के बात करूँ मैं तो इधर हम लोग का महुआरी है, महुआबारी है, इधर मुझे आना है, दो जगह आग लग चुका है। ऐसा आग लग चुका है जिसमें कम से कम 4-5 बीघा तो जल ही गया है। और फिलहाल हम लोग के तरफ भी हमारे गांव से अंदर से आया हुआ है, आप लोगों को दिखा था हमारे गांव के एकदम पास में ये जो बड़ा वाला टंकी देख रहे हैं, उधर से पूरा पोलो सीधा आया हुआ है जो हमारे दोनों खेत से होते हुए आया हुआ है, देख रहे हैं कि ऊपर से गया हुआ। खैर अभी तो यहाँ से बीच में वाइट वाला जो दिख रहा है यहाँ से 2 नंबर पे एक क्रॉस करके इधर चला गया है वहाँ पे 11,000 वोल्टेज। अब इन जो नहर है ये बरियारपुर से आते हुए लाइट को चला आया है लाइट से, और फिर ये सीधे अंदर की तरफ गया हुआ है। तरफ थोड़ा बहुत रहते हैं इसे, और इसी के 2 साल पहले की मैं बता रहा हूँ कि यही कोने पर ऐसा गिरा था लाइट जिससे मिट्टी पूरा जल के शीशा बन चुका था। हम लोग खुद गए थे देखते, रात में लगा था, खैर उस समय सारा कटिया पिटिया हो चुका था। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि गेहूँ की जगह खेती जितने से जल्द कटा लें, बनवा लें और दौरी करा कर अपने घर में रख लें, जिससे किसान एक घाटे से बच जाए। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हमें तो बहुत ही चीज़ों का सामना करना पड़ा, अगर हम लोग नहीं गए होते अचानक से देवरिया हमारी नानी का एक देहांत नहीं हुआ होता तो अब तक ये सब काम हो चुका होता, हम दोबारा देवरिया आए नहीं। कुछ ऐसा है हमारे यहाँ मेन रोड तो मतलब यहाँ से मोहापाटन से आता है और फिर आते आते कुछ मतलब यहाँ पे डायरेक्ट पहला गांव हमारा पड़ता है, इसको बोलते हैं गोदाम हम लोग का, गौरकुटी चकियाँ का गोदाम। और फिर वहाँ पे सामने हमारा गांव है और यहाँ से भी जा सकते हैं और फिर यहाँ से राइट लेते हुए सीधे जा कर के फिर अंदर गांव में भी आप चल नहीं सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूँ कि हम ऐसे जगह से रहने वाले हैं यहाँ से अगर आप 4 किलोमीटर तक पैदल आप ट्रेवल नहीं करते हैं तो आपको यहाँ से कोई सवारी नहीं मिल सकती, किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे है। मतलब ये नदी के किनारे है हमारा गंडक जो है, इसके किनारे हमारा गांव है और गांव के अंदर बिजली की व्यवस्था है और किसी चीज़ का पढ़ाई लिखाई का तो कोई नामो निशान नहीं है। खैर और रही बात हॉस्पिटलिटी तो यहाँ से देवरिया नज़दीक है, आप रामपुर कारखाना जा सकते हैं, रामपुर कारखाना इमरजेंसी तो नहीं बोलेंगे आप, फिर पत्थरदेवा जा सकते हैं, लाहीपार जा सकते हैं, बट यहाँ से नज़दीक में कुछ नहीं है, हम तो बस यही कहेंगे। और इसीलिए हम लोग काफ़ी लोग पढ़ाई पढ़ने लिखने और जो भी करने के लिए देवरिया ही जाना पड़ता है और फिलहाल देवरिया ही हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं इन्हीं सब कारणों की वजह से। और गांव में रहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई अच्छा जॉब हो, आप रेगुलर गांव में तभी रह सकते हैं, कि आपके पास सरकारी जॉब हो या फिर खुद का बिजनेस हो आसपास या फिर शहर में, जिससे आप रेगुलर मतलब 10 किलोमीटर के एरिया में 15 किलोमीटर के एरिया में आप रेगुलर आना जाना जब लगा है तभी आप यहाँ पे गांव में रह सकते हैं। वरना हमारे जैसा गांव थोड़ा बहुत समस्या है बट ठीक ही है, तो वैसे अपना तो घर तो गांव ही है, अब गांव में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग जो है सो सब बढ़िया। इधर में अभी देखते हैं ट्रैक्टर कब तक आता है, तब तक हम यहाँ पर आए हुए हैं खेत में, अब देखते हैं जब तक ट्रैक्टर नहीं आता तब तक सब के साथ गप सब पे करते हैं। और ये छोटे मियाँ ट्रैक्टर आया था कब कहीं चला गया क्या, कहाँ थे तुम लोग ट्रैक्टर जब आया था तुम हाँ फिसल जी वालों झूठ मूठ में फिसल जी वालों
फ्रूटी है बोला। जगह लो मशीन के उच्च कोई ना नहीं। हाँ। कौन सी?